Subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. पहले तो पहचान लेते हैं कि ये वाई अपना parallelogram है और इनकी ये साइड और ये साइड आपस में parallel है. नाम भी दे देते हैं A, B, C, D. और ये आगे हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया है, इसका नाम हम लोग ई कर देते हैं. ठीक है, अभी लग रहा है देखने से कि रेक्टेंगल है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप पैरेललोग्राम इसके अंदर बनाए तो वो बन ही नहीं पाएगा. तो इसलिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि रेक्टेंगल दिख रहा है इसलिए रेक्टेंगल हो गया प्रूफ. इतना जल्दी नहीं होगा, लाइफ इज टफ. तो लेकिन एक बात तो है कि अगर ये जो भी है क्वाड्रिलेटरल तो है भाई, चलो पैरेललोग्राम बाद में देखेंगे. क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना. एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहां पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे साइक्लिक पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे एडीई और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होंगे एबीसी, ये बराबर हैं. ऑल्सो एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, ये भी भाई जरूरी है, ये भी बराबर होगा. यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब यहां पे साइक्लिक हो ना हो पैरेललोग्राम तो है, तो ये तो हमेशा हर पैरेललोग्राम में ट्रू होगा. अब जब भाई ये राइट साइड बराबर आ गई तो लेफ्ट साइड भी बराबर आ जाएगी. दिस इंप्लाइज एंगल एडीई इज इक्वल टू एंगल एडीसी, है ना. लिख दो बाई वन एंड टू आर एच एस आर सेम, वन एंड टू हैव सेम आर एच एस. चलो ठीक है भाई. ऑल्सो एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. भाई क्या बोल रहे हैं, सीई CDE is a straight line. हालांकि ऐसा कुछ दिया नहीं है कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देना आप कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जो कि साइक्लिक है, साइड DC जो है वो प्रोड्यूस की गई है E तक, ऐसा लिख देना आप. मैंने नहीं लिखा है, CD is a straight line. मैं अभी अगला वाला जो क्वेश्चन आएगा स्क्वायर वाला उसमें कर दूंगा. चलो ठीक है, तो CDE इज अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर. बस अब भाई ये भी बात है कि ADC ADE के बराबर है, तो हम लोग यहां पे टू टाइम्स एंगल ADC लिख सकते हैं. बस काम हो गया, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. ठीक, अब ये 90-90 हो गए, उसी तरह ये 90 और ये 90 भी हो जाएंगे, है ना. एडीसी हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है और एडीसी एबीसी के बराबर है. देयरफोर एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल एज 90 डिग्री इज ऑल्स,
कोई भी पैरेललोग्राम है उसका कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो सब एंगल 90 डिग्री होंगे। हमने तो दो दो को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल एज 90 डिग्री इज डेफिनेटली अ वन एंगल या एनी एंगल लिख दो यार, वन एंगल में कंफ्यूजन हो जाएगा। अ पैरेललोग्राम विद एनी एंगल इज 90 डिग्री इज डेफिनेटली अ रेक्टेंगल। दिस इंप्लाइज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ना भाई? Hence proved। बढ़िया सवाल था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होना चाहिए जिससे कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बिल्कुल ऐसा ही अगला वाला भी है। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। प्रूव दैट अ साइक्लिक रोम्बस इज अ स्क्वायर। तो भाई हमने रोम्बस बना लिया है। रोम्बस जो है चारों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल भी होंगी, उसके साथ ही साथ ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं और ये भी पैरेलल है। यही रोम्बस की डेफिनेशन है। सेम प्रोसीजर है। ए डी ई इज इक्वल टू ए बी सी। ए डी ई यहां है, ये वाला जो एंगल है वो ए बी सी के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? साइक्लिक रोम्बस है। तो फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं बस मैं यहां, और पिछले वाले क्वेश्चन का ही फ्रेम मैं यूज कर रहा हूं। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक रोम्बस इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ये है और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये है। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मान लिया। अब ये भी मालूम है कि एडीसी और एबीसी इक्वल है। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये तो पैरेललोग्राम नहीं है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। अब ए डी ई इज इक्वल टू ए डी सी। ए डी ई इज इक्वल टू ए डी सी कैसे हो जाएगा भाई? इसके राइट साइड में एबीसी है, इसके राइट साइड में एबीसी है। जब एबीसी सेम चीज है तो ए डी ई और ए डी सी इक्वल होने चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं वन एंड टू है सेम आर एच एस। सो ए डी ई मस्ट बी इक्वल टू ए डी सी। एडी और एडीसी जो है वो मिलकर एडीई और एडीसी जो है वो मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। और सीडीई इज अ स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर। सीडीई स्ट्रेट लाइन है ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के पहले कुछ बातें आपको लिखनी होंगी, वो बात मैं यहां लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास और कहीं जगह है नहीं। तो आप लिखिए इन फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक रोम्बस। ठीक है, एक ये बात। और फिर आप लिखेंगे सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू ई। बस ये बात जो है आपको क्वेश्चन के शुरुआत में लिख देनी चाहिए, क्योंकि यहां हमें एबीसीडी कुछ दिया नहीं है, तो जो आपने बनाया वो उसको ये दोनों लाइनें कवर अप कर लेंगी। ठीक है भाई। तो अब जब बोल रहे हैं सी डी इज प्रोड्यूस टू ई, यानी सी डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए लीनियर पेयर बोल रहे हैं। तो अब एडीई और एडीसी है, लेकिन भाई हमें एडीई की जरूरत नहीं है, एडी की जगह इधर भी एडीसी, इधर भी एडीसी। टू एडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम ये भी जानते हैं कि एडीसी इज इक्वल टू एबीसी है, तो एडीसी इज इक्वल टू एबीसी 90 डिग्री। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि
ये वाला एंगल एडीसी भी ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। एक ही 90 डिग्री प्रूव कर देते तब भी काम चल जाता, दो कर दिए यार, ज्यादा होशियार है हम लोग। ठीक है, तो अ डैश विद एनी एंगल एज 90 डिग्री इज डेफिनेटली अ डैश। तो डैश की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, अ रूम्बस विद एनी एंगल एज 90 डिग्री इज डेफिनेटली अ स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे अ देयरफॉर अ साइक्लिक रूम्बस इज अ स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना, प्रूव दैट अ साइक्लिक रोम्बस इज अ स्क्वायर। कोई एक एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो हो गया भाई, हेंस प्रूव।